अब उस काल ने सोचा कि ये तेरी पावर, तेरी अपनी पावर से, शक्ति से तो इस बात बने को नहीं, तो उसने चापलूसी का मार्ग अपनाया। पैर पकड़े, हाथ जोड़े, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, क्योंकि जोग जीत वहाँ परमात्मा का पुत्र है, और बाद में, सबसे बाद में अंडे से उत्पत्ति परमेश्वर ने की थी इस ज्योत निरंजन की। तो कहता है तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मैं तो आपको परमात्मा पिता के समान मानता हूँ, और आपको परमात्मा ने पावर देकर भेजी है जैसा कि आप कह रहे थे, आप जैसे उचित समझो चले जाना, लेकिन मेरी कुछ प्रार्थना स्वीकार करो और वचनबद्ध होकर सुनो। अब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, वचनबद्ध हो गया, बोल क्या मांगता भिखारी। तब उसने कहा कि तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में, आप कहो ना नीचे जाएंगे, सारा ज्ञान बताऊंगा और फिर सतनाम यानी सही ज्ञान दे करके, नाम बता करके जीवों को सतलोक भेजूंगा, तो तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना, मुझे श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी जीवों के खाने का, हैं? तो मेरी भूख कैसे मिटेगी। और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोए दीजे, तब तुम गमन संसार ही की जाए। मुझे ये वचन दे दो कि चौथे युग में कितने ले जाना, और एक और प्रार्थना है कि जो तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, और जो हमारे अज्ञान के ऊपर आधारित रहे वो हमारा रहे, वो मेरे ही मुख में आवे, उसको आप ना डिस्टर्ब ना करना, ज्ञान आधार से ले जाना, और जो हंसा तुम रहे गुण गावे, ताकि निकट काल नहीं आवे। ऐसे उसने कई प्रार्थनाएं की और परमात्मा ने जोग जीत रूप में तथा अस्तु कह दिया। जब उसको ये हो गया कि सारी डिमांड मान ली, वचनबद्ध हो गए मान ली, फिर कहने लगा, फिर अपना वो स्वरूप दिखा दिया, पुण्यात्मा यहां सभी की आदत है, स्वभाव भरा हुआ है, यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि 21 ब्रह्मांड का राजा ज्योत निरंजन है, उसी वाला स्वभाव हम सब में है। पहले तो उसने बल प्रयोग करके देखा, जब बल से बात नहीं बनी तो फिर छल प्रयोग करके देखा, अब छल से वो सोच रहा था मैं सफल हो गया, अब जब फिर उसने फिर अपने वही रूप दिखा दिया कि जोग जीत, जब तुम कलयुग में आओगे, कलयुग में लेने आएगा ना, अब तो सतयुग त्रेता द्वापर में तुम जीव ले जा नहीं सकते, वचनबद्ध हो गया, कलयुग में जब तुम आओगे उससे पहले मैं 12 पंथ नकली तैयार कर दूंगा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे ही मुख में आन समोही, अनेक पंथ और मैं चलाऊं और नाम तुम्हारा ले गुण गाऊं। ये 12 पंथ तो अलग हैं, उससे और भी अलग पंथ नारे चला दूंगा जो कि काल के ही जाल में रखने वाले होंगे। अब इन 12 पंथों में गरीबदास जी महाराज का जो पंथ है वो 12वां पंथ है, कबीर सागर में लिखा है, और उससे पहले वो कबीर पंथी हैं 11, और उन सभी, वो सभी काल के पंथ थे, और 12वां पंथ गरीबदास जी का आया है। उस 12वें पंथ में परमेश्वर कबीर जी ने लिखा कि 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। अपुण्यात्माओं, ये कबीर सागर जो है कोई आज का लिखा हुआ नहीं है, ये वैसे तो सतयुग त्रेता द्वापर से ही चलता आ रहा है, लेकिन बीच बीच में ये सुरक्षित नहीं रह सका, परमात्मा ने फिर दोबारा बोला है 600 वर्ष पहले वही ज्ञान। अब इसके अंदर दिखाते हैं आपको 12 पंथों की सतीथि जो कबीर पंथ कहलाते हैं, और ये जो राधा स्वामी पंथ पूरा पंथ काल का है, और इसी से एक ब्रांच निकली है धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जिसको कहते हैं सरसा के अंदर, और उसी से यहाँ एक गंगुआ के अंदर वो 600 मस्ताना बोल रहे हैं, वो भी उससे कुएं का पानी था,
उसी काल के ही जाल का। और एक जय गुरुदेव है मथुरा में, वो भी इस राधा स्वामी आगरा वाले से ही निकला हुआ पंथ है। तो ये सभी काल के पंथ हैं, पांचों नाम ये जाप देते हैं काल के हैं। और जो सच्चा सौदा वाले अकाल मूर्ख सब स्वरूपी राम सतपुरुष देते हैं, ये इनका मनमाना आचरण है, ये कोई जाप करण के नहीं है, ये तो पर्यायवाची शब्द है। जैसे जल की प्राप्ति हो करनी हो, जल पानी नीर कहता रहे उससे कोई लाभ नहीं होगा। उस जल को पाने का प्रोसीजर अलग है, उसमें हैंडपम्प लगाने का जो तरीका है वो अपनाना होगा। इसी प्रकार सतपुरुष को पाने का इस तीन मंत्र के जाप का प्रावधान है जो इनके पास नहीं है। कौन सा मंत्र? ओम तत् सत, ओम ब्रह्म का, और तत् मिलकर ही सतनाम बनता है। इसका जाप अलग से करना होता है कुछ में, फिर सार शब्द दिया जाता है, सार नाम दिया जाता है, तब जीव का कल्याण होता है। तो उसमें आपको दिखाते हैं अब वो 12 पंथ कौन कौन से हैं, और परमात्मा बर्म में पंथ में स्वयं चलकर आएंगे। ये कबीर परमेश्वर ने स्वयं कहा है अपने सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में। ये देखिएगा, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से, और ये कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, ये यहाँ से छपा है। इसमें देखना, ये है कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे। यहाँ लिखा है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूल्य जीव न जावे ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान है, और इसमें भटके हुए भूले हुए प्राणी कभी भी सतलोक नहीं जा सकते। कौन कौन से? ये तो है कबीर वाणी में 136 पृष्ठ पे। अब देखो यहाँ पर कबीर चरित्र बोध में, ये है कबीर चरित्र बोध बोध सागर, और ये है 1871 पृष्ठ। और यहाँ देखते हैं बोध सागर, ये 1870 पर कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। नारायण दास जी का पंथ, ये इन्होंने गलत लिखा है, नारायण दास नहीं है, ये चूड़ामणि जी का पंथ है, आगे दिखाएंगे दूसरे स्थान पर वो सही लिखा है। दूसरा याज्ञोदास जी का पंथ, ये याज्ञोदास जी का पंथ। और तीसरा है सूरत गोपाल, चौथा है मूल निरंजन का पंथ, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास जी का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, और आठवां कमालीय पंथ, कमाली का पंथ, और नौवां राम कबीर पंथ, दसवां प्रेमधाम की वाणी पंथ, और ग्यारहवां जीवा पंथ, और बारहवां गरीबदास पंथ। अब इन्हीं 12 पंथों का फिर यहाँ कबीर वाणी में, ये कबीर चरित्र बोध में आपने देखा बोध सागर में, और ये भी बोध सागर है, और ये कबीर वाणी है 136 पृष्ठ पर। यहाँ लिखा है द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ताते आगम कही हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि साखा। प्रथम जग में जागो भरमावे, ये दूसरा होना चाहिए था, प्रथम तो ये चूड़ामणि है। यहाँ इन्होंने गलत अपनी तरफ से मिलावट कर दी कबीर पंथियों ने। ये लिखा है ये बोध सागर 1870 पृष्ठ पर, ये कबीर चरित्र बोध में, यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा। यहाँ लिखना था प्रथम चूड़ामणि जी का पंथ, दूसरा याज्ञोदास जी का पंथ, और सूरत गोपाल मूल निरंजन चौथा। अब यहाँ उसी का प्रमाण है, अब हमारे हैं 136 कबीर वाणी पर, 136 पर द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूल्य जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि साखा। ये चूड़ामणि प्रथम होना चाहिए, ये गलत लिख रखे इन्होंने, और दूसरा होना चाहिए थे दूसरा जग में जागू भरमावे। यो यहाँ पर लिखा है इसको, ये देखिएगा याग्गो पंथ, जागू कहो तो याग्गो, याग्गो दास पंथ और सूरत गोपाल, प्रथम नहीं है, दूसरा जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे, और दूसरा सूरत गोपाल होई। यहाँ इन्होंने ये लिखा सूरत गोपाल पंथ, दूसरा ये
1870 पृष्ठ पर। ये दूसरा तीसरा है सूरत गोपाल, और यहाँ भी तीसरा ही होना चाहिए था, इन्होंने दूसरा लिख दिया। ये थोड़ा सा मिलावट करें, चोर चुरावे तोमड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे सच्चाई छैनी ना। अब यहाँ लिखना था तीसरा सूरत गोपाल होई और अक्सर जो जोग दृढ़ावस होई, और चौथा, ये चौथा होना चाहता तीसरा नहीं, मूल निरंजन वाणी, चौथा पथ टंकसार टंकसार भेद वो, और पांचवा पंथ बीज को लेखो, और छठवां जो सातवां होना चाहिए था सतनाम सतनामी पंथ। हम अपने काम पर आते हैं, यहाँ देखिएगा, अब दसवां ये ग्यारहवां यहाँ आ जाता है परम धाम की वाणी। अब बारहवां यहाँ से शुरू होता है, संवत 1775 होई, ये वैसे गलती से मिसप्रिंट है, यहाँ 1774 होना चाहिए था संवत, गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ है। संवत 1775 होई तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, बारहवां पंथ जिसे चला गरीबदास जी को उसका जिक्र है ये। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंख जन्म ठोर नहीं पावे, बारह में पंथ प्रगट हो बानी। अब बारह में पंथ गरीबदास जी वाले पंथ के विषय में चर्चा चल रही है कि मेरी वाणी यानी मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी गरीबदास जी द्वारा। परमेश्वर कबीर जी गरीबदास जी को मिले थे, गरीबदास जी काल के दूत नहीं थे, गरीबदास जी ने तो सही ज्ञान दिया, लेकिन आगे वाले वाले कबीर गरीबदास के पंथियों ने उसको समझा नहीं। अब बर में पंथ प्रगट हो हवा बाणी है नहीं, प्रगट हुआ बाणी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अब गरीबदास जी के बाद जितने भी उनके अनुयायी हुए हैं वो परमेश्वर की वाणी जो गरीबदास जी ने महिमा लिखी है वो समझ नहीं सके। बर में पंथ प्रगट हुआ बाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी, और अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये बारह पंथ हमी को ध्यावे। कहते गरीबदास वाले पंथ तक भी स्थिर घर शाश्वत स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते, सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकते, और हमारे ही उस वाणी को वह आपस में निष्कर्ष करते रहेंगे, उसकी जानकारी एक दूसरे को उलट सुलट देते रहेंगे। बर में पंथ प्रगट हो वाणी शब्द हमारे का निर्णय ठानी, उसका निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करेंगे पर वो समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर यानी सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, उसका धाम का मर्म नहीं पाएंगे, ये बारह पंथ हमी को धावे। आगे स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने, बारह में पंथ हम ही चल आवे, हम स्वयं आओगे गरीबदास वाले पंथ में, यानी गरीबदास के रूप में नहीं उसके पंथ में आगे चल के, बारह में पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। धर्मदास जी से कह रहे हैं कि बार में पंथ माऊंगा मैं आगे चल के, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलाऊंगा। अब अपना ये परमात्मा दास भेज दिया, अपना वही शक्ति उन्हीं की काम कर रही है। धर्मदास जी से कहते हैं तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा, प्रथम चरण कलयुग निर्याना निराना, तब मगहर मांडो मैदाना। ये प्रथम पीढ़ी होगी, प्रथम चरण होगा जब मैं मगहर से सह शरीर चला जाऊंगा। परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं ये प्रथम चरण होगा, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना, धर्म राय से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित का जी। अब आगे देखो 5505 तब ये शब्द होएगा साचा। अब समय आ गया है, कलियुग को लगभग 5500 वर्ष हो गए हैं और अब वो समय आ गया परमात्मा का, ये मेरा कहते हैं आज का बोला हुआ उस समय सत्य होगा ही। अब क्या बताते हैं, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, और मूल शब्द बार ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त तुम रखो, गोई माने गुप्त रखो, मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, ये बिचली पीढ़ी हंस वंश हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गुप्त हम रखा, गोई माने गुप्त, मूल ज्ञान तुम तब लग छिपा छपाई।